सुबोध जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या जो मांग रखी गई है मुलायम सिंह यादव की तरफ से कि एक हफ्ते के लिए रोल बैक किया जाए, ये सही है? कांग्रेस भी इसका समर्थन करती है? और दूसरी बात, जो मायावती जी ने कही कि अपने तो 100 साल के काले धन अपना इंतजाम कर लिया और लोगों के बारे और लोगों को परेशान कर दिया, इस स्टेटमेंट को भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का ये स्पष्ट मानना है कि काले धन पर रोक लगनी चाहिए थी और काला धन बाहर आना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का ये भी मानना है कि इसके पहले जो दो एफर्ट हुए थे बड़े नोटों को बंद करने के 1948 में और 1978 में, उसके बाद भी काला धन तो जनरेट होता ही रहता है। दूसरी बात जो सरकार की मंशा से के खिलाफ शंका पैदा करती है कि आप 1000 का नोट तो बंद कर रहे हो कि काला धन उसके जरिए इकट्ठा होता है, और 2000 का नोट आप जारी करने की बात कर रहे हो, तो उससे तो और ज्यादा आसान होगा लोगों के पास एक्यूमुलेट करना काला धन। आज नहीं तो आज से 2-4 साल बाद, 5 साल बाद वही फिर काला धन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो फैसला हुआ, काला धन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इकोनॉमी के लिए वो बहुत खतरनाक है, लेकिन जो सरकार ने, ऐसा लगता है कि कोई इसमें प्लानिंग नहीं की है जी। वरना जो आज गरीब गुरबों को परेशानी हो रही है, कल मेरे पास एक फोन आया था कि साहब वो दाह संस्कार में जो मुर्दा लेके वहां जा रहे हैं तो लकड़ियां खरीदने में वो पैसे नहीं ले रहे हैं, 500 के नोट जी। तो मुर्दा कैसे जलेगा जी। तो ये समस्याएं खड़ी हो रही है, तो और मुर्दा आप 2 दिन घर में नहीं रख सकते भाई जी। आपने जो एग्जेम्पशन जारी किया था कि हॉस्पिटल सब जगह होगा, तो आप कहते हैं भाई दाह संस्कार और घाटों में, ये बात जो बार बार कही जा रही है कि अचानक क्यों किया, अचानक क्यों किया? अगर अचानक नहीं करते तो क्या नुकसान हो सकता था इसका? जो गरीबों के लिए जो समस्या पैदा हुई है उस पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। चलिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ।